हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि किचन के हर काम के लिए अलग अलग मशीन आती हैं, अलग अलग डिवाइस आती हैं। अगर आपको चॉपिंग करनी है तो उसके लिए चॉपर आता है, आपको मिंसिंग करनी है तो उसके लिए मिंसर आता है, आपको ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए ग्राइंडर आता है। ऐसे ही अगर आपको जूस निकालना है, जूसिंग करनी है तो उसके लिए जूसर आता है। अब दोस्तों हर काम के लिए अलग अलग मशीन रखना और अलग अलग मशीन को मेंटेन करना इजी नहीं होता, तो इसीलिए मार्केट में फूड प्रोसेसर आते हैं जो कि एक ही मशीन होती है जिसमें आप लगभग सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आटा नीडिंग यानी कि आटा गूंदना, जूसिंग, ग्राइंडिंग, मिंसिंग, चॉपिंग और भी बहुत सारे काम। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं अपने घर के लिए एक अच्छा सा फूड प्रोसेसर खरीदने की और कन्फ्यूज़ है कि कौन सा फूड प्रोसेसर खरीदें जो कि आपके किचन में आपके काम आए, तो दोस्तों आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाले 5 बेस्ट फूड प्रोसेसर्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी फूड प्रोसेसर खरीदने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जिससे कि आप एक अच्छा फूड प्रोसेसर खरीद पाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि फूड प्रोसेसर होता क्या है। फूड प्रोसेसर दोस्तों एक मिक्सर जैसा ही मशीन होती है जिसके अंदर आप ग्राइंडिंग कर पाते हैं, जूस मेकिंग कर पाते हैं, ब्लेंडिंग कर पाते हैं, स्लाइसिंग कर पाते हैं, ग्रेटिंग कर पाते हैं, चॉपिंग कर पाते हैं, और सबसे अच्छा काम आटा नीडिंग यानी कि आटा गूंद पाते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कि आप फूड प्रोसेसर में क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे कोई भी अच्छा फूड प्रोसेसर खरीदने से पहले। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि जो भी फूड प्रोसेसर आप खरीदें उसमें जो मोटर है वो कॉपर वाइंडेड मोटर होनी चाहिए। दोस्तों जो कॉपर मोटर होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है और जल्दी ख़राब नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको भी वो रेगुलेट कर लेती हैं, अगर आप कंपेयर करें बाकी मटेरियल से बनी यानी कि एल्यूमिनियम वगैरह से बनी हुई मोटर से। तो ध्यान रखें कि कॉपर मोटर वाले ही फूड प्रोसेसर को आप प्रेफर करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर आप रेगुलर यूज़ में लेने वाले हैं फूड प्रोसेसर को, तो ध्यान में रखें कि मिनिमम 750 वॉट की मोटर वाला ही खरीदें। अगर कभी कभार यूज़ करने वाले हैं तो आप 750 वॉट से कम का भी खरीद सकते हैं, 600 या 500 वॉट का, लेकिन रेगुलर आप यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर थोड़े हार्ड फूड आइटम्स को ग्राइंड करने वाले हैं, तो मिनिमम 750 वॉट का फूड प्रोसेसर प्रेफर करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है स्पीड का, जिसको मेजर किया जाता है RPM में यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो जिस भी फूड प्रोसेसर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा RPM में होगी, वो उतना ही ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है मल्टीपल अटैचमेंट्स का, कि जो भी फूड प्रोसेसर आप खरीदें उसके साथ आपको जितने ज़्यादा अटैचमेंट्स मिल सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा अटैचमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा टास्क आप उससे कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कि जो भी फूड प्रोसेसर आप खरीदें ध्यान में रखें कि आप एक अच्छे ब्रांड का ब्रांडेड फूड प्रोसेसर खरीदें, जिससे कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोसेसर मिलेगा और अच्छा ब्रांड होगा तो आपके एरिया में उसके सर्विस सेंटर्स भी होंगे, तो कभी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप आराम से उसको सर्विस करा पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपको उसके ऊपर लंबी वारंटी मिलनी चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक अगर वो कभी भी ख़राब होता है तो आपके एरिया में जो सर्विस सेंटर होगा उस ब्रांड का, वहाँ पे जाके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में सर्विस करा पाएं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कोई भी फूड प्रोसेसर खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखने जरूरी होते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 5 बेस्ट फूड प्रोसेसर इन इंडिया। दोस्तों नंबर 5 पे है बजाज का फूड फैक्ट्री FX11 फूड प्रोसेसर। इसमें आपको 600 वॉट की मोटर मिल जाती है जिसकी स्पीड है 18,000 RPM। इसमें आपको कॉपर मोटर मिल जाती है और इसमें आपको इनबिल्ट लॉक फीचर देखने को मिलता है। तो जब तक जो जार है वो अच्छे से इसकी मोटर में लॉक नहीं हो जाता ये काम नहीं करेगा, जो कि एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फीचर ब्रांड ने इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको अनब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट का प्रोसेसिंग बोल मिलता है, एक 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार मिलता है, एक 1 लीटर का स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग जार मिलता है, एक 300 ml का स्टेनलेस स्टील चटनी जार मिलता है। इसके साथ आपको 13 अलग अलग तरीके की अटैचमेंट्स मिलती हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की ब्लेड्स देखने को मिल जाती हैं, जिससे आप चॉपिंग और ग्राइंडिंग और स्लाइसिंग कर पाएंगे। और इसके साथ आपको एक सिट्रस जूसर का भी अटैचमेंट मिल जाता है और एक नॉर्मल जूसर का अटैचमेंट भी मिल जाता है। इसमें आपको 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं और मिलता है एक पल्स फंक्शन। इसके ऊपर बजाज आपको देता है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 6,500 रुपये के आसपास। और दोस्तों ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है ये वीडियो बनाते समय की प्राइस है, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो गई हो, या फिर इस पर कोई सेल या ऑफर चल गया हो। तो इसीलिए जितने भी फूड प्रोसेसर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे,
तो वहाँ पर जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और इन पर कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है इनालसा का फूड प्रोसेसर, इसमें आपको 1000 वॉट की पावर मिल जाती है और इसमें आपको मिलती है कॉपर मोटर। इसमें आपको प्रीसेट मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप वन टच में आइस ब्लेंडिंग कर पाएंगे, जूसिंग कर पाएंगे और आटा नीडिंग कर पाएंगे। इसके साथ आपको 3.5 लीटर का मल्टीपर्पज जार मिलता है और इसके साथ आपको एक 1.5 लीटर का ट्रांसपेरेंट जार मिल जाता है। इसके साथ आपको 1 लीटर का स्टेनलेस स्टील का ग्राइंडिंग जार मिलता है और मिलता है 400 ml का स्टेनलेस स्टील चटनी जार। इसके साथ आपको 5 फंक्शन स्टेनलेस स्टील डिस्क मिलती है और इसमें आपको 25 स्पीड कंट्रोल मिलता है जो कि आता है पल्स फंक्शन के साथ। तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाले फूड प्रोसेसर में आपको ज़्यादातर में 3 स्पीड कंट्रोल ही मिलता है, लेकिन इनालसा के इस फूड प्रोसेसर में आपको 25 अलग अलग स्पीड के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है। इस पर आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 12,000 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर 3 पे है प्रीति का Xeon MG227 फूड प्रोसेसर, इसमें आपको 750 वॉट की पावर मिल जाती है और इसकी जो स्पीड है वो है 18,000 RPM। इसके साथ आपको 2.1 लीटर का मल्टीपर्पज जार मिलता है और एक 1 लीटर का स्टेनलेस स्टील जार मिलता है। इसके साथ आपको 500 ml का स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग जार मिलता है और एक 200 ml का स्टेनलेस स्टील जार मिलता है। इसके साथ आपको एक फ्लेक्सी लिड भी मिल जाती है जिससे कि दोस्तों एक जार में आप 2 अलग अलग क्वांटिटी के काम कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सी लिड को यूज़ करके आप उस सेम जार की क्वांटिटी को आधा कर सकते हैं अगर आपको कम क्वांटिटी का इसमें फूड ग्राइंड करना है या चॉप करना है। तो इसमें आपको 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं विद पल्स फंक्शन और इस पर आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 6,900 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर 2 पे है प्रीति जोडियक MG218 फूड प्रोसेसर, इसमें आपको 750 वॉट की मोटर मिल जाती है और इसके साथ आपको 2.1 लीटर का मल्टीपर्पज जार मिलता है। इसके साथ आपको एक 3-in-1 इंस्टा फ्रेश जूसर का जार भी मिल जाता है जिसे आप जूसिंग काफी आराम से कर पाएंगे और इसके साथ आपको 1.5 लीटर का स्टेनलेस स्टील जार मिलता है, 1 लीटर का स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग जार आता है इसके साथ और एक 500 ml का स्टेनलेस स्टील चटनी जार भी आपको इसके साथ मिल जाता है। इसमें भी आपको फ्लेक्सी लिड का फीचर या फिर अटैचमेंट देखने को मिल जाता है और इसके साथ आपको मल्टीपल ब्लेड के अटैचमेंट भी मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलती है 3 स्पीड कंट्रोल विद पल्स फंक्शन और इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की वारंटी इसके मोटर पे। अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 9,200 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर 1 पे है फिलिप्स का HL7707 मॉडल का फूड प्रोसेसर, इसमें आपको 750 वॉट की मोटर मिल जाती है जिसमें आपको मिलती है 21,000 RPM की स्पीड। इसके साथ आपको 2.2 लीटर का शेफ प्रो मल्टीपर्पज जार मिल जाता है जिसके अंदर आप आटा नीडिंग वगैरह कर पाएंगे और इसके साथ आपको 1 लीटर का जूसर जार मिलता है, 1.5 लीटर का स्टेनलेस स्टील जार मिलता है और एक 500 ml का स्टेनलेस स्टील चटनी जार मिलता है। इसके साथ आपको डबल फ्लैप लीक प्रूफ गैस्केट मिलती है जिससे कि इसके जार में से अगर कुछ भी आप लिक्विड इसमें ग्राइंड करेंगे या ब्लेंड करेंगे तो वो लीक नहीं होगा और इसके साथ भी आपको मल्टीपल अटैचमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि विस्कर और अलग अलग टाइप की ब्लेड्स। इसमें आपको 3 स्पीड कंट्रोल विद पल्स फंक्शन मिलता है और इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की वारंटी इसकी मोटर पे। अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 8,500 रुपये के आसपास। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की किचन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी फूड प्रोसेसर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप इनकी करंट प्राइसेस चेक कर सकते हैं और इन पर कोई सेल ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर से जवाब दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।